स्वागत है आपका एनिमल्स वेरिएंट एंड माइथोलॉजी के सेकेंड एपिसोड में। आज मैं बात करूंगा गौ माता के बारे में। गाय को हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आदि धर्मों में पवित्र माना जाता है। एज पर स्पिरिचुअल साइंस, चार पुरुष अर्थाज जो कि है धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, इन्हें केवल एक गाय की सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ यानी कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, जैसे कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सप्तऋषि, लक्ष्मी, पार्वती, चार वेदा, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, यमुना, गंगा, कार्तिकेय और आदि। इसीलिए गाय को दया और पवित्र का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग पुराणों में और अलग अलग माइथोलॉजीज में कहा गया है कि गाय की अपनी अलग अलग विशेषता थी। जैसे कि वैष्णव माइथोलॉजी में कहा गया है कि लक्ष्मी ने एक गाय का अवतार लेके एक मेल बफेलो राक्षस का वध किया। भगवता पुराण में कहा गया है कि धरती ने गाय का अवतार लेके विष्णु जी से कहा कि मेरी रक्षा करो, और इसीलिए विष्णु जी को गोपाला भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ काउ। और जो बड़े बड़े राक्षस और राजा जब इस धरती को लूटने आते हैं तो इन्हें काउ किलर्स और काउ टॉर्मेंटर्स कहा जाता है। इसलिए विष्णु जी को अलग अलग अवतार लेके इन दानवों को मारना पड़ता है, जैसे कि उन्होंने 10 अवतार लेके किया, जैसे परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और आदि। गाय से जुड़ी कई कहानियाँ हैं, लेकिन हम गाय को ज़्यादातर कृष्ण भगवान के साथ देखते हैं। गोलोक पे यानी कि काउ प्लैनेट पे कृष्ण भगवान 1000 से भी ज़्यादा गायों की देखभाल करते हैं। बचपन के समय भी वृंदावन में गांव के कुछ गायों के साथ कृष्ण भगवान पूरा दिन बिताते थे और उनके साथ खेलते थे। कृष्ण भगवान एक इंसान और गाय के बीच के कनेक्शन को बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कितना प्यार भरा होता है। अब मैं बात करूंगा सुरभि के बारे में, यानी कि कामधेनु। कामधेनु गौ माता है, यानी कि सारे गायों की माँ। कामधेनु एक सफेद गाय है जिसे एक औरत का सर है, पंख पक्षी के हैं और उनकी पूंछ पीकॉक की। ऐसे कई कहानियां हैं जो हमें कामधेनु के जन्म के बारे में बताती है। सबसे पहले महाभारत। महाभारत में ऐसा कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र में से जो अमृत निकाला गया, उस अमृत से सप्तऋषि को कुछ यज्ञ करने थे और इस यज्ञ में उनके पास घी नहीं था, और इसीलिए उनमें से एक ऋषि ने कामधेनु को जन्म दिया। और कामधेनु ने जो दूध दिया उसी से घी बनाया गया। दूसरी है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व के पुस्तक में कहा गया है कि दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र है, उन्होंने जब इस अमृत को पिया तो उन्हीं से कामधेनु यानी कि सुरभि का जन्म हुआ। और आगे जाकर सुरभि ने कई सारे गायों जिन्हें कपिला कहा जाता है उनको जन्म दिया, और इन्हें मदर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कामधेनु को ज़्यादातर ब्राह्मण के साथ देखा जाता है। कामधेनु जो दूध देती है और उससे जो घी बनाया जाता है वो होम यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए प्राचीन समय में कामधेनु को होमधेनु भी कहा जाता था। पुराणों में कहा गया है कि जब किसी ब्राह्मण को किसी योद्धा से अगर युद्ध करना पड़े तो कामधेनु उसकी सुरक्षा करेगी, और आखिरकार वो एक देवी है इसलिए वो जब चाहे एक योद्धा बन सकती है। महाभारत में ऐसा भी कहा गया है कि शिव जी ने सुरभि को एक श्राप दिया था। जब ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे कि सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान कौन है, तो शिव जी ने उन्हें बताया कि जो शिवलिंग है उसका अंत कहाँ तक है ढूंढ के दिखाओ,
और जो भी तुम दोनों में से शिवलिंग का अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है। इसलिए ब्रह्मा जी आकाश में उड़ गए शिवलिंग का आकाश में अंत ढूंढने के लिए, और विष्णु जी जमीन के नीचे चले गए और ब्रह्मा जी के हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि वो शिवलिंग ऊपर जाता ही रहा जाता ही रहा जाता ही रहा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सुरभि को कहा कि विष्णु जी के पास जाकर ये कहो कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के अंत को ढूंढ लिया है। और जब ये बात शिव जी को पता चली उन्होंने सुरभि को शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसलिए शिव जी ने सुरभि को ये श्राप दिया कि उसका जो भी बच्चा पैदा होगा वो सारे अपवित्र चीज़ें खाएगा। अब मैं बात करूँगा नंदी बैल के बारे में। नंदी बैल भी एक पवित्र द्वारपाल और वाहन है शिव जी का। कई कॉमन मंदिरों के बाहर नंदी बैल का स्कल्पचर दिखेगा आपको। वायु पुराण में कहा गया है कि नंदी ऋषि कश्यप और सुरभि के पुत्र है, सुरभि यानी कामधेनु। सौर पुराण में नंदी को शिव जी का द्वारपाल कहा गया है और उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। नंदी जिन्होंने बहुत सारे गहने पहने हो और जो सूरज की तरह चमक रहे हो, हाथ में एक त्रिशूल और तीन आँखों वाले, जिनके दूसरे हाथ में एक गरजती बिजली और जिनके चार हाथ हैं। सौर पुराण में नंदी बैल को ये कह के डिस्क्राइब किया गया है। और कोई पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि नंदी बैल दूसरे शिव है। रामायण में कहा गया है कि जब एक दिन शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उनके द्वार पर रावण आता है। लेकिन शिव जी ने नंदी को पहले ही बताया होता है कि द्वार पर जो भी आए उसे तुम बता देना कि अंदर नहीं जा सकते। इसलिए नंदी रोज की तरह रावण को भी ऐसा ही कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। इसलिए रावण गुस्सा होकर नंदी को धक्का देता है और अंदर चला जाता है। इसलिए पीछे से नंदी चिल्लाकर रावण को श्राप देता है कि तुम्हारी पूरी लंका एक वानर जलाएगा। और रामायण में आगे वैसा ही होता है, हनुमान ही जो कि एक वानर है रावण की लंका जलाता है। लेकिन इस श्राप को सुनकर रावण को कुछ नहीं होता, वो और गुस्सा हो जाता है और अपने 20 हाथ कैलाश पर्वत के नीचे डालकर कैलाश पर्वत को उठाने लगता है। और इसी पर्वत के हिलने की वजह से पार्वती भी घबरा जाती है। लेकिन शिव जी अपने एक अंगूठे से उस पर्वत को नीचे दबा देते हैं और इसलिए रावण भी उस कैलाश पर्वत के नीचे दब जाता है। बहुत सालों तक रावण ऐसा ही रोता रहता है रोता रहता है। और हजारों सालों बाद शिव जी रावण को माफ़ कर देते हैं। इसलिए रावण सालों से पर्वत के नीचे रोता रहा इसलिए उसका नाम रावण पड़ा, वन हु क्राइड। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एनिमल्स इन इंडियन माइथोलॉजी के 3rd एपिसोड में।